अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई खुशी की खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि हमज़ा शहबाज़ का गरूर खाक में मिला। हमज़ा शहबाज़ ने सोचा था कि वो हमेशा के लिए रहेंगे वज़ीर आला पंजाब, बाप इनका वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ और हमज़ा शहबाज़ वज़ीर आला पंजाब। लेकिन अल्लाह ताला की जो है, देखें मसलहत कैसी है कि इनका जो है गरूर खाक में मिला और हमज़ा शहबाज़ की आज छुट्टी हो चुकी। हमज़ा शहबाज़ और उसकी पूरी काबीना की छुट्टी हो चुकी और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और तमाम पाकिस्तानी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने सख्त दबाव के बावजूद भी अच्छा फ़ैसला किया और उन्होंने हक का साथ दिया और बड़ा ही उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया। अब जो है तमाम पाकिस्तानियों का अपनी अदालतों पर एतमाद बहाल हुआ है, क्योंकि इससे पहले तमाम पाकिस्तानियों का एतमाद कम था अदालतों पर कि इंसाफ नहीं मिलता, मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। लेकिन आज आप देखिए कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बहुत ही खूबसूरत जो है अच्छे तरीके से इस फ़ैसले को निमटाया और चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ज़बरदस्त जो है तरीके से इस मसले को हल किया। तो जितने भी मेंबरान थे इस बेंच में, उन सब का शुक्रिया, उन सब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तमाम पाकिस्तानी। तो ये एक अच्छा फ़ैसला हुआ है। और जितने भी गरूर व तकबुर करने वाले लोग थे, जो घमंडी लोग थे, जो इम्पोर्टेड लोग थे, जो दूसरों के आलाकार थे, उनका आज सफाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है अमेरिका की कि उसने कोशिश की कि किस तरीके से जो है दबाव डाल लें और पाकिस्तान के हालात ख़राब कर ले, लेकिन उसको नहीं पता कि उसने किन से पंगा लिया है। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है अमेरिका के लिए और पीडीएम के लिए। अब जितने भी दूसरे मेंबरान हैं पीडीएम के, उनको भी अपनी पड़ गई हुई है, खसूसन मरियम नवाज़ साहिबा जो हर वक्त जहर घोलती रही हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी किसी के ख़िलाफ़, और अब जो हैं उनके पास अल्फाज नहीं हैं कि वो क्या बयान करें। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह का इंसाफ बेहतर इंसाफ होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम पाकिस्तानियों ने सब्र का मुजाहरा किया और यह फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ा। तो कहते हैं कि जो अल्लाह का फ़ैसला होता है वो सबसे बेहतर होता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से ही ये बेहतरीन फ़ैसला आज हुआ है। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया और जितने पाकिस्तानी खुश हैं, और उनसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में हैं वो ज़्यादा खुश हैं कि हक़ का जो है ये फ़ैसला हुआ है और हक़ की जीत हुई है, और झूठ जो है वो जलील और रुस्वा हुआ है। झूठ जो है जलील और रुस्वा हुआ है, यही होता है अल्लाह का फ़ैसला। अमेरिका की शिकस्त हुई है और इम्पोर्टेड हुकूमत की शिकस्त हुई है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो मसला है, जो हमारी मईशत का मसला है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने मुल्क को तबाही के धाने पर ला दिया था जब से ये लोग आए थे, जब से ये मनहूस लोग इम्पोर्टेड हुकूमत। तो ये हमारा पैगाम है, आप सबका जो है शुक्रिया कि आप सब ने इंतज़ार किया, और ये होता है अल्लाह का इंसाफ। तो ये बहुत ही खुशी की खबर है आज जो ये फ़ैसला हुआ है। उर्दू टीवी 22 की पूरी टीम तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देती है और दुआ करते हैं कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए हो और पाकिस्तान पर जो मुश्किलात आई हुई हैं तमाम की तमाम ये दूर हो जाएं। इंतज़ार कीजिएगा नए वीडियो का। उम्मीद है कि आपको हमारा ये पैगाम पसंद आया होगा। आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू टीवी 22 को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको बताइएगा। शुक्रिया।